अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एयरलिफ्ट एक्सप्रेस में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, आप घर बैठे इससे ऑनलाइन जो है चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो आपने प्ले स्टोर में जाके एयरलिफ्ट एक्सप्रेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपने ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ये आपके पास ओपन हो जाएगी। आपने इस पे सारी जो परमिशंस हैं वो अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ जो इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने इसमें जो है ख़रीदारी करने के लिए जो ऊपर आपको तीन लाइनें नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, आप उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लॉगिन पे ओके करेंगे। तो अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड लगाएं और लॉगिन करें, या आप साइन अप होना चाहते हैं तो नीचे साइन अप पे क्लिक कर दें। अपना पहले अपना नाम लिखें। अपना नाम लिखने के बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दें, जिससे आप को SMS वसूल होगा या आप से वो कॉन्टेक्ट कर सकेंगे। तीसरे नंबर पर आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है, जहाँ से आपको ईमेल वगैरह रिसीव होगी। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आपने नीचे अपना पासवर्ड लगाना है कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं। आप पासवर्ड रखें, उसके नीचे आपको किसी ने अगर रेफरल किया तो आप रेफरल कोड डाल करें, नहीं किया तो आप साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपके नंबर पे 4 अंकों का पिन कोड भेज देगा। तो आप थोड़ी देर के बाद जो है मैसेज में जाएं, आपके पास मैसेज आ जाएगा। जैसे मेरे पास मैसेज आ गया है, तो आप मैसेज में जो पिन कोड है वो यहाँ पे दर्ज कर देंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो फिनिश पे आप क्लिक करने के बाद आपका जो है ना अकाउंट मुकम्मल तौर पे रजिस्टर हो गया। तो आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने जो है अपनी शॉपिंग करनी है। आप यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सामने नज़र भी आ रही होती हैं। उसके बाद ऊपर से आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी चीज़ हैं ख़रीद सकते हैं। मैंने फ्रूट्स पे क्लिक किया है। अब इसमें से मैं जो है कोई आइटम चूज़ करता हूँ, ये आप उसमें क्वांटिटी जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। जो चीज़ आपको जितनी चाहिए उस मकदार में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपके जो है कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो आपने कार्ट में जाना है। कार्ट में जाने के बाद जो है इसकी जो है आप जो है मकदार काम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद नीचे आप जो है अपना एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ है वो बंदा ख़ुद पिक करके आपके घर तक पहुंचा देगा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर